दूरबीन से हम देख रहे हैं कि 3000 करोड़ के काम है काम। अपन दरबदल नहीं कर सकते। गोलू शुक्ला भारी व्यक्ति है और ये पिंटू जोशी हमारे क्षेत्र के हैं। इस बार किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, इस बार भारी व्यक्ति और घरी व्यक्ति की लड़ाई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव इस बार लोगों का ध्यान खींच रहा है। यूं तो देश के 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन अगर बात मध्य प्रदेश की हो तो यहाँ हाई वोल्टेज ड्रामा लगातार जारी है। इस वक्त हम मौजूद है इंदौर में, इंदौर की विधानसभा 3 में। यहाँ प्रत्याशी है आमने सामने, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी से गोलू शुक्ला, जो की संजय शुक्ला के भाई भी लगते हैं, कद्दावर नेता तो हम उन्हें नहीं कहेंगे लेकिन वो एक बहुत बड़े व्यापारी कहला सकते हैं। वहीं उनके सामने हैं पिंटू जोशी, जो महेश जोशी के बेटे हैं। ये सीट हमेशा से जोशी फैमिली की ही रही है। आपको बता दें 3 नंबर विधानसभा जो क्षेत्र है ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और 3 नंबर क्षेत्र में कांग्रेस को हराने वाले आकाश विजयवर्गीय थे, लेकिन अब इस सीट पर इस बार पिंटू जोशी का मुकाबला आकाश विजयवर्गीय के साथ नहीं है बल्कि उनका मुकाबला है गोलू शुक्ला के साथ। तो अब हम जनता से ही जानेंगे कि 3 नंबर विधानसभा में वो आखिर किसे चुनने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, किसको, उनके दिल में क्या है, क्योंकि पिंटू जोशी ने हमारे कैमरे पर यह दावा किया है कि सरकार तो कांग्रेस की बनेगी और विधायक वो बनेंगे, लेकिन ये निर्णय करती है जनता। तो चलिए बात करते हैं जनता से। पुष्पा जाधव, पुष्पा जी क्या लगता है आपको 3 नंबर विधानसभा किसकी होगी, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस की होना चाहिए। गोलू शुक्ला नहीं चाहिए? गोलू शुक्ला तो आने वाले ना। गोलू शुक्ला मतलब आप अपने विधायक के रूप में किसे चुनेंगे, गोलू शुक्ला को चुनेंगे या पिंटू? गोलू शुक्ला को चुनेंगे। और उसकी वजह क्या है? इतनी तो जानकारी है नहीं यार अपने को अभी। भारतीय जनता पार्टी के हैं गोलू शुक्ला, आप उन्हें वोट देने वाली हैं, तो आपने कुछ तो वजह होगी कि आप गोलू शुक्ला को वोट देंगी पिंटू जोशी को नहीं? ऐसा तो कुछ नहीं यार, अपन तो सुबह से ये शुरू से इसके ये देखते हैं हाथ के पंजे को। अच्छा, हाथ के पंजे को ही देते हैं। तो आप हमेशा से हाथ के पंजे को वोट देती हैं, तो इस बार कमल को वोट देंगी? नहीं नहीं सर, अपन दरबदल नहीं कर सकते, कमल को नहीं देते, अपन तो हाथ के पंजे को ही देते हैं। हाथ के पंजे को ही देते हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, आइए हम उनसे ही बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर वो इस क्षेत्र में किसे चुनेंगे, उनके दिल में क्या है। क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम शेख राजा है और मैं इसी विधानसभा क्षेत्र कमान 3 का नागरिक हूँ। पिछले 20 सालों से हम देखते हुए आ रहे हैं पिंटू जोशी जी को, जो इस क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे हैं और इसके पहले भी जो है बीजेपी के पूर्व विधायक रहे हैं। उन्होंने घोषणा करी थी कि 3000 करोड़ रुपये का हमने इस विधानसभा में काम करा है, तो हम उनसे पूछना चाह रहे हैं कि हम आपको दूरबीन देते हैं और दूरबीन से हम देख रहे हैं कि 3000 करोड़ के काम है कहाँ। और दीपक पिंटू जोशी भैया जो है इस क्षेत्र के नेता नहीं, इस क्षेत्र के बेटे हैं और इस बार 100% जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीतेंगे, हमने और हमारी पूरी विधानसभा ने ये संकल्प लिया। तो आइए हम रुक करते हैं और लोगों से जानते हैं कि उनके दिल में क्या है। आपका शुभ नाम? बबीता। बबीता जी आप किसे चुनेंगी, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? कांग्रेस से चुनेंगे हम सबके। तो आप पिंटू जोशी जी को वोट देंगी और उसकी अहम वजह क्या होगी? अहम वजह है कि जो कार्य होने थे वो हो नहीं पाए, आकाश जी के समय कुछ हमने सोचा भी था, उनको उस समय चुना था पर काम नहीं हो पाए हमारे, ये खुदाई पड़ी हुई है यहाँ पर, अभी तक कोई काम नहीं हो पाया, पाइप ही नहीं डाली पर खोद के चले गए। ड्रेनेज की लहर समस्या है कि चैम्बर भरे रहते हैं, आते हैं वो भी यहाँ तक ड्रेनेज वाले लड़ाई करते हैं हमसे आके। पिछले अगर हम बात करें आकाश विजयवर्गीय के पहले जो अश्विन जोशी हुआ करते थे विधायक, अश्विन जोशी के बाद एक बार फिर से जोशी परिवार पर ही कांग्रेस ने अपना जो है भरोसा जताया है और पिंटू जोशी को यहाँ पर उतारा है, मैदान में है वो, यहाँ से गोलू शुक्ला है उनके सामने। आपको लगता है कि गोलू शुक्ला को हरा कर जो पिंटू जोशी है वो विधायक बनेंगे? गोलू शुक्ला भारी व्यक्ति है और ये पिंटू जोशी हमारे क्षेत्र के हैं। हम अपने दर्शकों को ये जरूर बताना चाहेंगे क्योंकि हम इंदौर की विधानसभा में हैं और हमारे पूरे देश के जनता जो है वो हमें देख रही है, तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि गोलू शुक्ला को बाहरी व्यक्ति इसलिए नहीं कहा जा रहा कि वो इंदौर के बाहर के हैं, लेकिन वो विधानसभा 3 के बाहर के हैं, वो विधानसभा 1 से आते हैं और 3 में उनकी एंट्री टिकट मिलने के बाद ही हुई है, इसके पहले उन्होंने 3 विधानसभा के लिए कोई काम नहीं किया था। तो यहाँ की जनता का मानना है कि जो हमारा व्यक्ति है जिसने हमारे लिए काम किया है हम उसे ही चुनेंगे। आपको बता दें पिछले 10 सालों से लगातार पिंटू जोशी अपनी जनता से संपर्क में है और यही एक वजह है कि यहाँ की जनता बार बार अगर नाम ले रही है तो पिंटू जोशी का ही नाम ले रही है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शुभ नाम तुषार जोशी। हाँ तुषार जी क्या लगता है किसे वोट देंगे?
वोट तो केवल पिंटू जोशी को जाएगा। इस बार किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, इस बार भारी व्यक्ति और घरी व्यक्ति की लड़ाई है। क्योंकि पिंटू जोशी विधानसभा 3 में जन्मे हैं और विधानसभा 3 में बचपन से बड़े हुए हैं और अभी तक हम उन्हें देखते आ रहे हैं अपनी नज़रों से किस प्रकार से उनका स्वभाव है, सौम्यता सरलता सहजता से हमें उपलब्ध होते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि संजय शुक्ला और गोलू शुक्ला भी दोनों भाई भाई हैं? ऐसा कहा जाता है कि संजय शुक्ला भी सौम्य हैं, सरल हैं और सबके लिए उपलब्ध रहते हैं, तो गोलू शुक्ला भी वैसे ही रहेंगे? आप गोलू शुक्ला से बात करके देख लीजिए और दीपक जोशी पिंटू भैया से बात करके देख लीजिए, आपको उनका स्वभाव, उनकी सरलता, उनका सहजता आपको मिल जाएगा। पिंटू जोशी जी कभी पीए नहीं रखते हैं। बाकी आप बीजेपी के गोलू शुक्ला, आकाश विजयवर्गीय और उषा दीदी से अगर मिलना होता था किसी व्यक्ति को, मैं दोनों ही विधायक की बात करूं पिछले 10 साल के, उषा दीदी से और आकाश विजयवर्गीय जी से बात करूं, तो पहले उनके गली के जो नेता थे उनसे मिलना पड़ता था, गली के नेता उनके पीए से मिलते थे, तब जाके आकाश विजयवर्गीय तक बात पहुंच पाती थी। और आज के अधिकतर घरों में पिंटू जोशी के पर्सनल नंबर सबके घर में मौजूद है, डायरेक्ट कोई भी बच्चा उन्हें फ़ोन लगा सकता है। तो ये हमारे साथ में माफ कीजिए तुषार जी हैं, जिनका कहना है कि पिंटू जोशी आसानी से उपलब्ध है। हम आपको बता दें कि जनता का एक मुद्दा, हमने विधानसभा 1 में भी जब लोगों से बात की थी तो उनका मुद्दा यही था कि भाई संजय शुक्ला कहते तो हैं कि वो आसानी से उपलब्ध हैं लेकिन वो उपलब्ध होते नहीं हैं। यही एक मुद्दा है जिस पर लोगों ने कहा था कि इस बार हम उन्हें वोट नहीं देंगे। और अभी हम विधानसभा 3 की बात कर रहे हैं तो 3 में भी यही मुद्दा है कि जो विधायक जी हैं वो तो भैया मिलते ही नहीं हैं और इसलिए वोट हम ऐसे विधायक को देंगे जो हमारे लिए उपलब्ध हो। बहरहाल हम ये उम्मीद करते हैं कि पिंटू जोशी अगर यहाँ से विधायक बने तो विधायक बनने के बाद भी जनता के लिए उपलब्ध रहें और उन्हें भी कुछ तमाशे ना करना पड़े, उसके बाद कभी जलेबियाँ ना तलनी पड़े, उन्हें ऊँट की सवारी ना करना पड़े, वो जनता के दिलों तक सीधा रास्ता वैसे ही बना सके जिसे पिछले 10 सालों से लगातार काम करके उन्होंने बनाया है। बहरहाल ये थी विधानसभा 3। हम आगे भी अपनी इस यात्रा को जारी रखेंगे, मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में, गाँवों में, किस क्षेत्र में क्या हो रहा है आपको जरूर बताएंगे। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं खबर के पीछे की खबर तो आपको देखना होगा वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।